तो आज जो हम रिवीजन करने जा रहे हैं, वो रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का। और पहले मैं सिर्फ 10 मिनट में या 15 मिनट मान लो, इसमें आपको इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगी ताकि सारी चीजें रिकॉल हो जाए। और कोशिश किया करो घर से ऑलरेडी पढ़ के आ जाओ तो रिकॉल हो जाएगा आपका ये सारी चीजें। और उसके बाद में हम लोग ने क्या करना है कि जो जो मैं आपको बताती जाऊंगी वो रिकॉल कर लेना। उसके बाद हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि हमने आंसर कैसे अपने एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 2 जो है वो है हमारा एसिड बेस सॉल्ट। गॉट इट? एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब यहाँ पे क्या है कि जो एसिड बेस सॉल्ट है उसमें जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं इनको, इंडिकेटर, फाइव फाइव टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े थे दिव्यांशी, मैम, टू टाइप टू टाइप्स के पढ़े थे करिश्मा। मैम, टू टाइप्स थ्री टाइप्स के पढ़े थे, नाम बताओ फटाफट। प्राकृतिक सूचक, नेचुरल, रतिन आर्टिफिशियल, गंदी है सूचक। ऑल्फैक्ट्री, ठीक है। तो हमने तीन तरह के पढ़े थे, तीन तरह के पढ़े थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, राइट। तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक वो होते हैं जैसे लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर को बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं आर्टिफिशियल से, ऐसा मत करना। तो लिटमस पेपर हमारे यहाँ पे आता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल निलिशा, मैम टर्मरिक, टर्मरिक और काफी है। आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल दो फटाफट निलिशा। मैम मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्तिलीन। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के करिश्मा, अनियन एंड, वेनिला, हाँ, क्लोव एंड वेनिला। वनीला, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने एसिड बेस में क्या पढ़ा था, इसके बाद में हमने एसिड बेस में कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी। तो एसिड की हमने तीन रिएक्शन पढ़ी थी, दिव्यांशी आप तीनों रिएक्शंस बताएं मुझे फटाफट। एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाना है? मेटल एसिड की मेटल के साथ, के साथ करवाना है। दूसरा, दूसरा एसिड की क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ मेटल कार्बोनेट्स के साथ में। और तीसरी, मेटल ऑक्साइड। प्लस मेटल ऑक्साइड्स के साथ में, ठीक है। तो हमने जब मेटल के साथ में करवाई थी तो कौन सी गैस निकली थी? साल्ट, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट तीनों में बनेगा, सॉल्ट तीनों में बनेगा, इसमें भी बनेगा सॉल्ट, इसमें भी बनेगा सॉल्ट और इसमें भी सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस निकली थी, इसमें कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और और वाटर। इसमें क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। तो मेन मेन ये मोटा मोटी बात हमको याद रखनी है। सिमिलरली जब हम बेस पढ़ रहे थे तो बेस की हमने जनरली टू रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है। बेस की टू रिएक्शंस पढ़ी थी किसके साथ में, ये याद करो। इसके साथ हमारे सॉल्ट तो बनने ही वाला है, और साथ में क्या बनने वाला है वो जरा मुझे बताओ। तो बेस की रिएक्शन शिवम बताएंगे मुझे, बेस की रिएक्शन हमने किस किस के साथ करवाई थी? एसिड मेटल के साथ में, हाँ, और मेटल ऑक्साइड के साथ में, सेम मेटल ऑक्साइड्स के साथ में क्या बनने वाला है? सेम विद द हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहाँ पे वाटर। वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ रिएक्शन पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें हमने देखा था कि एसिड की रिएक्शन हमने किसके साथ में करवा दी थी, बेस के साथ में करवा दी थी। तो यहाँ पे तीन चीजें बनती हैं, तीनों चीजों के मुझे नाम बताइए। सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर एंड तीन चीजें बोली थी मैंने, ऊष्मा, हीट। यस, प्लस हीट बनेगी, यानी ऊष्मा निकलेगी। तो मैंने ये तीन चीजों के लिए क्यों बोला आपको, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जनरली एग्जाम के मतलब रश में ना हम ये भूल जाया करते हैं कि हीट लिखना है हमको, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विदाउट हीट कंप्लीट नहीं होगी, आपके मार्क्स कैंसिल होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद है। अब हमें और क्या याद होना चाहिए? हमें याद होना चाहिए सिक्स टाइप के सॉल्ट,
ठीक है, 6 टाइप के सॉल्ट्स याद होने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सॉल्ट्स याद होंगे, तो मुझे जल्दी से इनके नाम बोलना। शिवम आप नाम बोलो, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसका। ब्राइन क्या चीज? ब्राइन सॉरी मुझे नहीं समझ आया। ब्राइन ये ब्राइन है? तो अब मुझे ये भी बता दो ब्राइन क्या है फिर, अभी के भी। NaCl H2O gives NaOH. बेटा वो तो उसको बनाने का मेथड है, राइट? उसको बनाने का मेथड है। अगर आप ऐसे करोगे तो NaOH बन जाएगा। ये इसे क्लोर अल्काली मेथड कहते हैं, दैट इज नोन एज क्लोर अल्काली। जैसे हिंदी में मुझे क्लोर अल्काली कहते होंगे शायद। अच्छा हाँ, तो है ना, क्लोर अल्काली मेथड है ये, तो जिससे हम NaOH बनाते हैं। और ब्राइन किसको कहते हैं? जब भी सॉल्ट को, NaCl को, हम वाटर के साथ ऐड कर देते हैं ना, तो ये जो सोल्यूशन क्रिएट होता है ना, इस सोल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को नहीं कहा जाता है। ये प्रोसेस तो क्या है कि इस प्रोसेस से आप क्या बनाते हो, NaOH को प्रोड्यूस करते हो, और इसमें दो गैसेस रिलीज होती है। कौन सी गैसेस रिलीज होती है? यहाँ पे दो गैसेस रिलीज होती हैं। जल्दी से बताओ दिव्यांशी, कौन सी गैस रिलीज होती है बेटे इस प्रोसेस में? क्लोरीन हाँ, वेरी गुड, और हाइड्रोजन। क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, वेरी गुड। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो ये हमारी क्लोर अल्काली मेथड हमने रिवाइज कर लिया। अब मैं वापस से अपने क्वेश्चन पे आती हूँ कि NaOH क्या है। दिव्यांशी बताओ बेटा। दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको जनरल वे में क्या कहते हैं? कॉमन कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट कहते हैं। लव भार्गव क्या कहते हैं इसको? हाँ कास्टिक दिव्यांशी, सोडा। कास्टिक NaCl, सोडा। वेरी गुड वेरी गुड। तो दिव्यांशी फिर ये NaCl क्या है बच्चा? NaCl क्या है? मैम ये है ना सॉल्ट, तो फिर ये क्या चीज है? कास्टिक सोडा है। ठीक है, NaOH सेकंड नंबर पे, इनको रिवाइज करना। तो आप अपनी जो नोटबुक लेके बैठे हो ना, उसमें एस्ट्रिक लगाओ कि यार मुझे 3 रिएक्शन खुद से सोचना क्या है आपको, कि यार मैम ने बोला था कि बेस की 2 रिएक्शन, हालांकि आंसर तो मैम ने बता दिया लेकिन मुझे रिकॉल नहीं था, तो आपने नोट कर लिया बेस की रिएक्शन, फिर आपको याद आया। सॉरी 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 सॉरी, फिर आपको याद आया कि यार क्लोर एल्काली मेथड मुझे एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो आपने नोट डाउन कर लिया। फिर आपको याद आया कि यार मैं NaCl या NaOH के बारे में भूल गया था, तो आपने नोट कर लिया। तो क्या होगा, आज रात जब आप पेज पलटेंगे नोटबुक के, तो आज ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, क्योंकि काफी चीजें तो मैं रिवाइज करवा रही हूँ, और काफी चीजें आप अपनी कॉपी जब खोलेंगे तो आपको याद आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको रिवीजन को इफेक्टिव बनाना है। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको यही करना है कि जो जो चीजें आपको मिलती जाए वो आप यहाँ याद करते जाएं या शॉर्ट में लिखते जाएं, ताकि परसों जब आप पेपर देने जाएंगे 2-3 दिन बाद, तो आप जस्ट पन्ने पलटेंगे तो आपको याद आ जाएगा। हाँ मेटल की जितनी स्पीड से मैं लिख रही हूँ, उसी स्पीड से आप लोग भी अपनी नोटबुक में, या कुछ पन्ने ले लें, 10-15 पन्ने अलग से ले लें, और उनमें नोट करते चले जाएं। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। बाकी आप बेहतर समझते हो कैसे आपको रिवाइज करना है। तो NaOH के बारे में हम बात कर रहे थे, इसे हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। और NaCl जो होता है वो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। मैंने इसीलिए पहले NaOH पूछा क्योंकि मुझे पता है आप NaCl से शुरू करोगे। तो NaOH हमारा कास्टिक सोडा होता है, इसको बनाने का मेथड मैंने आपको अभी बताया था, दैट इज क्लोर एल्काली मेथड। गॉट इट? नाउ ये वाली वीडियोस मैं YouTube पे भी डाल दूंगी, अगर आपको रिवीजन करना है तो वहां से भी रिवीजन कर लेना। नाउ इसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताएंगी करिश्मा। CaOCl2 CaOCl2, इसका केमिकल नेम क्या है दिव्यांशी? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वेरी गुड। अच्छा एक मुझे बताइए कि पीओपी, पीओपी क्या है? ये शिवम बताएंगे। फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला CaSO4.H2O। CSO4.H, कैसे बनता है? CSO4 2H2O H2O। हाँ, कैसे, ये हाफ एच टू तो हो गया हमारा, लेकिन ये बना कैसे, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? जिप्सम। जिप्सम
जिप्सम से होता है। हाँ वेरी गुड। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो जिप्सम से होता है। जो जिप्सम होता है वो उसमें 2H2O होता है, और उसको जब हम हीटअप करते हैं, कितना हीटअप करते हैं, 373 डिग्री कैल्विन पे जब हम इसको हीटअप करते हैं, तो इसमें से 2H2O में से ऑन कर दो, था 2H2O में से अपना क्या हो जाता है, डेढ़ पानी उड़ जाता है, आधा पानी रह जाता है, तो उसे पीओपी बन जाता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्ट पढ़ने हैं, सारे सॉल्ट के नाम वगैरह आप एक बार रिवाइज कर लेना। एक छोटी सी चीज और यहाँ पे रह गई है, दैट इज द पीएच। तो पीएच आप सबको याद है, ये तो बहुत रटी रटाई सी चीज है, 0 से 7, 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 हमारा न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं, इस साइड में हमारे एसिड आते हैं, इस साइड में हमारे बेस आते हैं, याद तो है ना। तो मुझे जल्दी से बता दो कि यहाँ पे 6 नंबर है और यहाँ पे 3 नंबर है, विच वन इज मोर एसिडिक। दिव्यांशी, विच वन इज मोर एसिडिक? मैम थ्री थ्री इज मोर एसिडिक। और अगर मैं यहीं पे बात करूं 8 और 12 की, तो विच वन इज मोर बेसिक? 12 12 वन, ठीक है। तो जो आउटर साइड में होते हैं वो ज्यादा एसिडिक या बेसिक होते हैं। किसने दी थी ये शिवम, बताओ ये स्केल किसने दी थी? मैम ग्रीक फिलोसोफर हाँ, ग्रेट फिलोसोफर। किसने दी थी उसका, ग्रेट फिलोसोफर का नाम बताओ। अच्छा ग्रीक फिलोसोफर ठीक है, ग्रीक है तो ग्रीक सही, लेकिन उसका नाम तो बता दो। नाम नहीं बता निलिशा, पाया। निलिशा है क्या? सोरेनसन, सोरेंसन ये किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था, ठीक है, सोरेनसन ने दिया था। जब कोई नया आंसर दे तो दूसरे भी आंसर दे सकते हैं, दे आर फ्री टू गिव द आंसर्स ना। ओके, सो सोरेनसन ने ये दी थी। और चलो, ये तो हमारा हो जाता है ये वाला चैप्टर। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ताकि ये क्यों दिखा रही हूँ उसका पर्पज भी सुन लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए कि जो चीजें हमें आती है ना वही एग्जाम में पूछी जाती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता। और दूसरी बात, मैं फिर से एक और बात बोल देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं वो ज्यादातर सीबीएसई के क्वेश्चन उठाए हैं। सीबीएसई वाले ना लॉजिकल चीजें ज्यादा पूछते हैं, तो आप राजस्थान बोर्ड वाले घबराना मत कि यार ऐसे क्वेश्चन हमारे तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, तुम्हारे ज्यादा आसान क्वेश्चन आएंगे, तो सीबीएसई वालों के लिए है। लेकिन लेकिन कोई भी राजस्थान बोर्ड का बच्चा इसे छोड़कर क्लास को नहीं जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारी प्रैक्टिस या हमारी मेहनत जो हमने साल भर की है उसको शो करेगा कि हमें ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। गॉट इट? तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करती हूँ। देखो, अच्छा ओके, आराध्या इज देयर, बट ये वीवो कौन है ये मुझे अभी तक नहीं पता चला है। दे आर नॉट स्पीकिंग, और फिर आंसर भी कैसे पूछू इनसे मैं, बाकी तो हमारे तो ठीक है, जो कल आए थे वो तो सब हैं, फाइन। तो यहाँ पे जो हमारा वीडियो। वीडियो ऑन किया है, ओके, नॉट एन इश्यू, कोई बात नहीं। सो देयर, ये क्वेश्चन है आपके पास, विद द हेल्प ऑफ एंड, आपको सबको दिख रहा है ना ये क्वेश्चन प्रॉपरली? यस मैम। अच्छा ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल विच एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हाँ जी, आप मेरी बात सुना है कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि जो बेस होते हैं उनकी नॉन मेटेलिक, अच्छा हाँ एक बात और याद रखो कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ये बेस ना मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करते, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल हमने देखा था वह कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा के देखी थी, ठीक है। तो हाँ, ये की पॉइंट है, इसको याद रखना, मेटेलिक ऑक्साइड नहीं, यहाँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। ओके, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, बेस की रिएक्शन जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ में होती है, तो व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट्स विद द नॉन मेटेलिक्स? दिव्यांशी बताइए। सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। सॉल्ट प्लस वाटर इज फॉर्म, इन्होंने ये बोला। तो शिवम मुझे इसके आगे का क्वेश्चन बताएंगे कि व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? आप इस बात से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसे पता करोगे, मतलब इसका नेचर कैसा है ये पूछ रहे हैं। मैम ये सॉलिड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सॉलिड सॉलिड नहीं होगा, ये आप कैसे पता कर सकते हो कि ये सॉलिड नहीं होगा? मैम, क्योंकि सीओ, अगर हम एग्जांपल पे CO2 लेंगे तो वो गैस है।
वो हमने इसलिए लिया है एग्जाम्पल कि ये गैस, मान लो हम एग्जाम्पल लिखेंगे इसके नीचे, बिल्कुल लिखेंगे कि NOH की रिएक्शन करवा दी, या कोई और ले लेना आप जो जो पसंद आए, और उसकी रिएक्शन CO2 के साथ करवा देना। पर अकेले CO2 को देख के आप ये जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं तो सिलिका ऑक्साइड ले लेती हूँ, लो अब सिलिका ऑक्साइड तो नहीं होती है और ये भी रिएक्शन करेगी, तो फिर अब क्या करें बताओ? तो आप इस बात से ये अंदाज तो नहीं लगा सकते कि ये सॉलिड है। दिव्याशी व्हाट डू यू से? मैम, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिड। एसिड इन नेचर, ये कैसे पता चला दिव्यांशी तुमको? मैम, बिकॉज जब बेस को एसिड का एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और यहाँ भी वेरी गुड सॉल्ट एंड वेरी गुड। वाटर। ये मैंने ऑलरेडी आपको वंस अ वाइल बताया था, अब भूल गए कि मैंने आपको ये बोला था कि ये इसमें क्या हो रहा है। देखो मैं कलर चेंज करती हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बेस है ना, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो आपको ये पता है कि जो बेस है ना, सॉल्ट और वाटर कब बनाएगा? जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ में? एसिड के साथ में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है ना, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं? एसिड। अगर सुनो, आप में से किसी को भी ये बात समझ में ना आए ना, तो प्लीज अपना माइक ऑफ करके, माइक ऑन करके, और मुझे एक बार बोल देना कि मैम इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेस है, हमने इसकी रिएक्शन करवाई थी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में, ठीक है? अब हमारा क्या बन गया यहाँ पे? सॉल्ट बन गया प्लस वाटर बन गया, ठीक है? अब मैं ये कह रही हूँ कि ये बेस है और इसने बनाया हुआ है सॉल्ट एंड वाटर। ये कब सॉल्ट एंड वाटर बनाता है बेस? अच्छा, आपको एक रिएक्शन तो याद होगी कि बेस प्लस एसिड दैट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। करिश्मा मैं थोड़ा इंग्लिश बोल रही हूँ, अगर बेटा आपको हिंदी का लगे कि मैम थोड़ा हिंदी कर दो, तो आप एक बार मुझे टोक देना, ठीक है? तो बेस है हमारा एसिड, क्योंकि CBSE वालों का पेपर है तो थोड़ा सा इंग्लिश का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेस है हमारा, बेस की रिएक्शन हमने एसिड के साथ करवाई तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और यहाँ पे भी यही हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाले जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो मेरे पास 25 क्वेश्चन के आसपास है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू दी लाइम वाटर? लाइम वाटर का फॉर्मूला बताइए मुझे, कौन बताएगा? लव बताइए, ठीक है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर, बेटा ये याद रखो, लाइम वाटर। और मुझे बताओ ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, उसे क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। तो लाइम वाटर की में जब हम CO2 फ्लो करते हैं तो क्या बन जाता है? ये तो आराध्या बता देंगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करते हैं तो क्या बनता है रहते हैं? एनीबॉडी कैन गिव आंसर? कैल्शियम हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3, और ये वाला इनवाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बनेगा। अब मुझे बताओ ये वाली रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी थी एक और बार, याद है? जब व्हाइट वॉश किया जाता है तो उसके 2-3 दिन बाद शाइनिंग आ जाती है दीवारों पर, क्यों? ये राजस्थान बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, कैल्शियम लाइम वाटर के साथ में पेंट कर देते हैं, वो वायुमंडल की यानी एटमोसफेयर की CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, इसीलिए बॉल शाइनिंग आ जाती है बॉल पे, ठीक है? तो इन्होंने पूछा है कि ये क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगी लाइम वाटर में से। तो क्विक लाइम नहीं बात कर रहे हैं, ये लाइम वाटर की बात कर रहे हैं। तो लाइम वाटर में से हमने CO2 फ्लो कर दी तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब इन्होंने पूछा है, बस ये रिएक्शन पूछी है क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द जिंक रिएक्ट। देखो क्या किया है इन्होंने, जिंक की रिएक्शन करवाई है किसके साथ में? NaOH के साथ में। जल्दी से बताओ ये रिएक्शन किसको याद है? बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो मेटल के, सॉरी, सॉल्ट बन जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इतना तो मैंने बता दिया, अगर एग्जाम में नहीं आए तो इतना तो लिख ही आना। सोडियम सल्फेट हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बताएंगी दिव्यांशी? Na2ZnO2। ये ब्रैकेट में आता है या खुला आता है? ठीक मैम खुले आता है। है, तो ये सोडियम जिंकेट बन जाता है। इन्होंने यही पूछा है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसके नीचे लिख देना जिंकेट क्रिएट हुआ है, जिंक की रिएक्शन NaOH के साथ करवा देते हैं तो सोडियम जिंकेट बन जाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस आप कर दोगे। राइट अ टेस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ गैस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, ये तो मुझे कौन बताएगा? शिवम बताएंगे। राइट ए टेस्ट टू कंफर्म, मैम, व्हेन वी प्लेस ए कैंडल नियर दी
सॉल्यूशन, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट हो जाएगी ठीक, हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, डायरेक्ट नहीं पूछा कि आपकी बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करवाओ, इन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा, इन्होंने पूछ लिया कि जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दो, तो कोई बात नहीं, तो भी मेटल बनेगा, सॉरी सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कर लोगे ना? अच्छा, यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले एक बार जल्दी से रिव्यू कर दो मुझे। लव समझ में आ रहा है? अच्छा, यस मैम, आराध्या आपको आ रहा है समझ में? आराध्या, यस मैम, यस गुड, ठीक है। और ये वीवो V2037, अब तो बोल दो यार कौन है, चलिए कोई बात नहीं, इनका यस तो मैम, अच्छा कौन है भाई? आई एम मनीष। अच्छा मनीष हो, तो इतनी देर से पूछ रहे मनीष तुमको, तो अब नाम पता चल गया तो हम तुमसे क्वेश्चन तो पूछ लेंगे कम से कम। यस हाँ गुड, ठीक है। टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप लोग क्या करना, धीरे से लिख लेना कॉपी में, NaOH दिया हुआ है, किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हो गया। इन अ टेस्ट ट्यूब टू ड्रॉप ऑफ फिनोपतिलीन, फिनोपतिलीन इसके अंदर डाल दिया हमने, क्या डाल दिया, फिनोपतिलीन। तो दिव्यांशी मुझे क्विक बताएंगी कि इसके कलर में क्या चेंज होगा। मनीष चलो आप ही का नंबर लगा देते हैं, फिनोप्थिलीन में क्या चेंज आएगा? इट विल टर्न इन टू रेड। इट विल टर्न इनटू रेड, आर यू श्योर? और कोई, एनीबॉडी? मैम इट विल टर्न टू ब्लू ब्लू। और पिंक, पिंक। वेरी गुड, इट विल टर्न इनटू दी पिंक, पिंक में टर्न होगा बेटा, फिनोप्थिलीन पिंक में टर्न होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो फिनोप्थिलीन होता है ना, जब भी हम इसको एसिड मिला देते हैं इसके अंदर, ठीक है, एसिड मिलाएंगे तो इसमें ये कलरलेस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और जब भी हम इसमें बेस मिला देंगे तो ये पिंक हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। वैसे ये शायद ऑरेंज कलर का होता है। अब इसमें हमने कहा कि अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया कि अच्छा सुनो, ये मीटिंग जब खत्म हो जाए ना तो उसका 5 मिनट वेट करना, उसके बाद हमारी नई क्लास स्टार्ट होगी, ऐसा इन्होंने बोला है मुझे। तो हमारे पास क्या था भाई, एक टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, NaOH था, तो हमने इसके अंदर फिनोप्थिलीन मिला दिया, फिनोप्थिलीन मिलाया तो हमें पता चला कि ये बेस है, बेस होते ही हमको पता चल गया कि ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। अब हमने कहा है कि HCl मिला दिया इसके अंदर, तो अब क्या होगा इस पिंक कलर का, अब इस पिंक कलर का क्या होगा HCl मिलाने पे, निलेशा? मैम कलरलेस। अब ये धीरे 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 क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। फिर ये कह रहा है थोड़ी देर बाद हमने वापस से NaOH मिलाना शुरू कर दिया इसके अंदर, कलरलेस के अंदर, तो बताओ लव क्या होगा इसका, मैम अगेन इट गेट पिंक। अगेन इट विल बी पिंक, अगेन इट विल बी पिंक। 10 मिनट बाद क्लास वापस ज्वाइन करेंगे, जब ये बंद हो जाएगी, 5 मिनट बाद, सॉरी 5 मिनट बाद, कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इनटू द अनियन जूस, मतलब हमारे पास एक कपड़ा था, हमने कपड़े को अनियन में डाल दिया। अब इतना पढ़ते ही तुमको क्या याद आया करिश्मा, क्या याद आया बेटा? मैम ये गंदी है सूचक है और शायद ये आंगे अचार का गंधीय पता सूचक होगा। है, और ये फिर गंधीय सूचक है, यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, यानी कि अगर ये एसिड में जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, और बेस में जाएगा तो क्या होगा, जो इसकी स्मेल है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है द लिक्विड एक्स चेंज इट्स ऑर्डर, इसकी खुशबू को ये चेंज कर देता है, तो मुझे बताओ कि ये जो अनियन जूस है वो किस टाइप का इंडिकेटर, ये पूछ रहे हैं, विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज दिस, तो ये तो मैंने बता ही दिया कौन सा है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, कौन सा है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेशन। अब इन्होंने बोला है कि एक लिक्विड, अब ये अनियन में हमने कपड़ा भिगोया था और हमने क्या किया, इसको एक लिक्विड के अंदर डाला, किसके अंदर डाला, लिक्विड के अंदर डाला, और इसने अपना क्या किया, स्मेल खो दिया, ठीक है, या कुछ भी नहीं किया। अब आप एक बताओ, एक हमारे पास लिक्विड है जिसका नाम एक्स है, और उसका नाम एक्स है, वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, तो मुझे बताओ ये लिक्विड कैसा होगा, नहीं समझे? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक लिक्विड है, वो लिक्विड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, मैम एसिडिक एसिड, एसिडिक
डेफिनेटली ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसके बाद में इन्होंने पूछा है कि अगर इस जो एसिडिक होगा ना, उस एसिडिक मीडियम में, मतलब ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये एसिडिक है। अब इन्होंने पूछा है कि जो सोल्यूशन एसिडिक है, इतना तो आपको पता चल गया, उसके अंदर जिंक मिला देंगे तो क्या होगा, ये मुझे शिवम बताएंगे। इन्होंने बोला है कि पहले अनियन के बारे में पूछा, फिर एक एक्स सॉल्यूशन के बारे में पूछा जिसको हमने फाइंड आउट किया है कि ये एसिडिक है, हमने पता लगा लिया कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। अब ये कह रहे हैं ये जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर आप जिंक मिला दो। अब मुझे बताओ जिंक मिलाने पे क्या होगा? सॉल्ट प्लस एस हाइड्रोजन। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। कुछ बच्चे यहाँ पे एक गलती ये कर देते हैं कि वो मान लेते हैं कि ये जो एक्स है ना वो एचसीएल है। क्या ये आपको दिया हुआ है कि एचसीएल है? कहीं पे लिखा है ऐसा कि ये एचसीएल है? नहीं। तो हम ये लिखेंगे अपने आंसर में कि ये जो सॉल्यूशन जो भी है एक्स, जो कि हमें पता है क्या है, एसिड है, तो आप नीचे ब्रैकेट में एसिड लिख दीजिएगा, प्लस जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हम यहाँ पे सॉल्ट लिखेंगे, ना कि ZnCl2। क्यों, हमें थोड़ी पता है कि क्या है। नहीं, ये नहीं लिखेंगे, सॉल्ट लिखेंगे प्लस वाटर लिखेंगे। फिर आप ऐसे लिखेंगे आईई एग्जाम्पल, या फिर आप एग्जाम्पल करके लिखेंगे कि लेट लेट एक्स इज एच सी एल, गॉट इट। अब आप दोबारा से रिएक्शन लिख सकते हैं कि एच सी एल प्लस जेड है, दैट गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही थी बात? आई होप। देखो अब ये यू कह रहे हैं कि आपने सोडियम कार्बोनेट उसमें मिला दिया। किसमें मिला दिया? इस एक्स में, ये जो आपका एक्स आया था उसमें आपने सोडियम कार्बोनेट मिला दिया। अब मुझे कोई बताएगा कि इसमें क्या होगा? मैम, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुमको कैसे पता चला निलीशा? मैम, व्हेन जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर और CO2 फॉर्म होता है। सुपर। अगर मैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये जोड़ देती कि इसकी टेस्टिंग बताओ, शिवम इसकी टेस्टिंग बताओ CO2 की। मैम, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करना है। यस शिवम, कहाँ खो रहे हो बेटा। हमने अभी देखा था यहाँ पे थोड़ी देर पहले कि जब लाइम वाटर के साथ में हम CO2 की रिएक्शन करवाते हैं, लाइम वाटर के साथ में जब हम CO2 की रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, PPT प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हमको मिल जाता है। ठीक है, ये PPT है। तो अगर आप जो कल हम पढ़ रहे थे PPT वाली रिएक्शंस, वहां पे भी आप इसको आराम से कोट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये याद करना है, हाइड्रोजन का भी याद करना है और CO2 का टेस्टिंग भी याद करना है, दोनों की टेस्टिंग आपको याद करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आते हैं। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द मार्बल। मार्बल का केमिकल नेम और फॉर्मूला बताइए, मनीष बताइए।